वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब कहने का है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जो वैल्यू लाई करेगी ए की इन बिटवीन ग्रेटर देन तो होगी 180 डिग्री बट स्मॉलर देन और इक्वल टू 270 डिग्री हो जाएगी ठीक है सेकेंड थिंग इन द क्वेश्चन दट थ्री टेन एक्वल टू फोर तो हम लिख सकते हैं कि टेन ए की वैल्यू हो जाएगी फोर अपॉन थ्री अब हमें इससे इस वैल्यू इस को यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे वी विल यूज इसको टेन ए को टेन स्क्वायर ए कर लेते हैं मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो सिक्सटीन अपॉन नाइन हो जाएगी आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्वायर ए इस आइडेंटिटी को यूज करके अगर हम सेक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जब सेक की वैल्यू आ जाएगी तो वो कॉज हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल ठीक है तो क्या करेंगे देखिए, हमें चाहिए सेक स्क्वायर ए की वन प्लस टेन स्क्वायर ए की सिक्सटीन अपॉन नाइन पुट कर देते हैं सॉल्व कर लिया हमने तो एलसी ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन ये आ गई वैल्यू सेक स्क्वायर ए की तो सेक ए की क्या हो जाएगी वैसे तो पॉजिटिव निगेटिव दो आएंगे बट बात हो रही है थर्ड क्वार थर्ड क्वार में सेक निगेटिव होता है तो हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो फाइव बाई थ्री ठीक है तो कॉस भी कॉस क्या होगा इसका प्रोकर हो जाएगा थर्ड क्वार में कॉस भी निगेटिव होता है तो माइनस का थ्री अपॉन फाइव लिख देंगे अब हम आते हैं साइन वाली वैल्यू पे तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है इस बेस पे हम साइन ए की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए तो हम की वैल्यू पुट करके साइन की निकाल लेते हैं तो लिख सकते हैं इस वन मतलब माइनस का स्क्वायर यहाँ तो प्लस हो जाएगा तो नाइन बाई ट्वेंटी फाइव ये आ जाएगा देखिए सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव फिर वही रूट निकालेंगे तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस फोर अपॉन फाइव बट ये थर्ड में थर्ड में साइन भी निगेटिव होता है इसलिए हम साइन की वैल्यू निगेटिव लेंगे विच इज माइनस का फोर अपॉन फाइव अब देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ गई कॉज की भी आ गई ठीक है पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं अब हम पहले लिख लेते हैं हमें किस में पुट करनी है वैल्यू तो वो इक्वेशन है फाइव साइन टू ए फाइव साइन टू ए फिर क्या है देख लेते हैं प्लस थ्री साइन ए प्लस का है थ्री साइन ए एंड लास्ट था प्लस फोर कॉस ए अब सबसे पहले ए का और करना है साइन टू ए का आइडेंटिटी यूज करके इसको ब्रेक करना है ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा फाइव इन टू साइन ए कॉज ए साइन टू ए की आइडेंटिटी होती है टू साइन ए कॉज ए ठीक है प्लस ये थ्री साइन ए एज इट इज प्लस फोर कॉस ए जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑलरेडी हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं तो देखिए फाइव टू टेन हो गया थ्री अपॉन फाइव ठीक है five, five, अब प्लस थ्री इंटू फिर से साइन ए की वैल्यू क्या लेंगे माइनस का फोर अपॉन फाइव प्लस फोर इंटू कॉस ए की वैल्यू माइनस थ्री अपॉन फाइव ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा टेन इंटू माइनस का ट्वेल्व अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये फाइव फाइव जी फाइव ठीक है माइनस का फोर थ्री जर ट्वेल्व अपॉन फाइव माइनस का फोर थ्री जर ट्वेल्व अपॉन फाइव रिड्यूस कर देते हैं फाइव फाइव 25 ट्वेंटी फाइव फाइव टू जर टेन एक्जेक्टली डबल वैल्यू ही आ गई तो ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव ये दोनों ऐड हो गए माइनस का ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ गया जीरो सो so, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया जीरो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सो वी कैन से ऑप्शन नंबर वन जीरो आंसर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन थैंक यू क्लास सिक्स से ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जाएगी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर